मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में अति वर्षा से निर्मित स्थिति और बचाव के लिए जारी कार्यों की समीक्षा के लिए समत्व भवन में बुलाई आपात बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों की स्थिति की समीक्षा की। बीसी के माध्यम से समस्त संभागीय आयुक्त, आईजी, पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर, एसपी जुड़े, डीजीपी, डीजी होमगार्ड, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, जल संसाधन, गृह पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास, राजस्व, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जनसंपर्क की प्रत्यक्ष में उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में अति वर्षा और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्थितियों को सामान्य हो जाने तक अधिकारियों कर्मचारियों को छुट्टी पर नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वर्षा का चक्र बदलने के कारण सितंबर माह में जितनी वर्षा होनी चाहिए उससे अधिक हो रही है। अति वर्षा के बावजूद भी जनजीवन सामान्य रहे, अतः समय रहते आवश्यक सावधानियां बरतते हुए बचाव के कार्य किए जाए। वहीं निचली बस्तियों में रहने वालों को समय रहते सतर्क किया जाए, आवश्यकता अनुसार उन्हें राहत कैंपों में शिफ्ट किया जाए। जिन रपटों और पुलों पर पानी है वहां तत्काल आवश्यक सावधानी व सतर्कता बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अतिवर्षा के प्रभाव से हुई जनहानि और पशुहानि की स्थिति में राहत उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी कलेक्टरों जनहानि की स्थिति में 4-4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा कर कलेक्टरों को तत्काल राशि परिजनों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जहां पर भी बाढ़ के पानी में लोग फंसे हैं उन्हें हेलीकॉप्टर की सहायता से एयरलिफ्ट करने की तत्काल व्यवस्था की जाए। पुराने जीर्ण शीर्ण भवनों को चिन्हित कर सुरक्षात्मक व्यवस्था की जाए। आवश्यकता होने पर निवासियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए। वैसे तो इस सीजन में जितनी बारिश होना चाहिए थी उससे ज़्यादा हो रही है और ख़ास करके सितंबर माह में ये जो एक तरह से मौसम का वर्षा का पूरा चक्र बिगड़ गया ऐसा लग रहा है। इसलिए कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर एसपी के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है, उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। बाढ़ में कोई फंसा हो, कोई कारण से पुराना मकान में कोई घटना न घटे इसकी पूरी सावधानी रखे। और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रदेश की जनता से कि हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और वर्षा के इस कठिन दौर में भी अपने परिवार में कोई घटना न घटे इसकी सावधानी रखें। जरा भी आपको लगता है कि मकान कच्चा है या थोड़ा हट जाना चाहिए तो जिला प्रशासन पूरा प्रबंधन कर रहा है आपके लिए, न केवल राहत की व्यवस्था बाकी और भी सारे प्रबंधन उनके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं सभी एसपी कलेक्टर सारे लोगों को, क्योंकि आगामी 30 सितंबर तक इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। सभी अधिकारियों की छुट्टियाँ कैंसिल की है। मैं उम्मीद करता हूँ बाबा महाकाल सबको इस कठिन दौर में भी स्वस्थ रखेंगे। कोई भी कारण से कोई भी घटना होती तो आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन जिला प्रशासन को जरूर बताइए, अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ।